ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अगर हमें अपना ड्रुपल अपडेट करना हो, ड्रुपल कोर को अगर अपडेट करना हो तो वो कैसे करेंगे। दोस्तों, इस टास्क को अगर आपको करना है तो आप सबसे पहले अपनी पूरे प्रोजेक्ट का डेटाबेस, फाइल्स, सब जितना भी आपका प्रोजेक्ट है सब बैकअप ले लीजिए। बैकअप लेने के बाद आप अपनी साइट को मेंटेनेंस मोड में डाल दीजिए। वो आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर आपको मिलेगा मेंटेनेंस मोड। और यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड पे डाल देंगे। ये प्रोसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जिस टाइम आप अपनी वेबसाइट अपडेट कर रहे हो तो यूज़र अगर एक्टिविटी कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो उसको अगर कोई इश्यू ना हो इसलिए हम अपनी वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड में डाल देंगे कि तब को पता चलेगा कि हाँ मेंटेनेंस मोड में वेबसाइट है। इस समय तो कोई वर्किंग नहीं हो पाएगी। सेव कर देते हैं। वेबसाइट मेंटेनेंस मोड पे चली गई। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको अपने ड्रुपल का वर्ज़न अगर पता करना हो कि कौन सा वर्ज़न है, उसके लिए आप रिपोर्ट पर जाएंगे। ये देखिए, ये जो एरर आ रही है ये इसी से रिलेटेड है कि आपके जो ड्रुपल है उसके लिए नया वर्ज़न अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब हम रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो स्टेटस रिपोर्ट में जाएंगे। स्टेटस रिपोर्ट में ये देखिए, सबसे पहला नंबर है ड्रुपल, ये आपका वर्ज़न है 7.36। ये आपका ड्रुपल वर्ज़न है। आपको नया और लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड करने के लिए आप ड्रुपल 7 की वेबसाइट पर जाना होगा, drupal.org/download। यहाँ आप अपना रिकमेंडेड वर्ज़न चूज़ कर लें। इस में 7.43 जो कि ड्रुपल 7 में इस समय नया वर्ज़न है, इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपका प्रोजेक्ट जहाँ सेटअप है उस डायरेक्टरी में जाएं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद आप ऑल सेलेक्ट करके केवल साइट नाम का जो फोल्डर है उसको टच नहीं करेंगे। बाकी जितनी फाइल है आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपडेट करना है तो नई फाइलें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, साइट को नहीं टच करेंगे क्योंकि साइट के अंदर ही हमारा पूरा प्रोजेक्ट, सारी फाइल्स, जावास्क्रिप्ट जितनी भी है प्रोजेक्ट में, सीएसएस सब साइट के अंदर सेव है, हम इसको नहीं टच करेंगे। ये जो मैंने डाउनलोड किया था प्रोजेक्ट लेटेस्ट वो है, इसको कट कर लेते हैं। 7.3 ऐसे ही मैंने फोल्डर बनाया है कि इसको मैं यहाँ पेस्ट कर सकूँ। पेस्ट कर दिया। देखिए साइट फोल्डर बचा है, बाकी हमने कुछ भी नहीं लिया। इसको जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये फोल्डर मिलेगा। फोल्डर मिलने के बाद आप ये पूरी फाइल उठा कॉपी करके बाहर पेस्ट कीजिए। सॉरी, साइट का फोल्डर आप कॉपी नहीं करेंगे, इस साइट के फोल्डर को आप हटा कर सेलेक्ट ना करके बाकी सारी फाइल कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, अब साइट का बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अपडेटिंग में अगर कुछ मिसमैच हुआ तो आपका प्रोजेक्ट लॉस हो सकता है।
बैकअप लेने के बाद दोस्तों आपको यूआरएल में अपडेट डॉट पी एच पी लिखना पड़ेगा। अपडेट डॉट पी एच पी लिख के आप इंटर कर दीजिए। कुछ समय में अपडेट डॉट पी एच पी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए ड्रूपल डेटाबेस अपडेट। दोस्तों देखिए ये अब भी रिकमेंडेड कर रहा है कि आप अपने डेटाबेस का बैकअप और अपने कोड का बैकअप ज़रूर ले लें। कंटिन्यू कर दीजिए। दोस्तों एक बार और मैं आपको बता दूं कि अगर ये एरर आपके पास नहीं आ रही है कि अपडेट की, तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके कोर में एक अपडेट मैनेजर होगा। ये मॉड्यूल है कोर का, ये इनेबल है या नहीं, ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अपडेट में क्या है। नो पेंडिंग अपडेट्स। मैं एक बार अपडेट कर चुका हूँ, शायद इसीलिए अपडेट नहीं है। आप जब अपडेट करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आएगी अपडेट की, आप उसको कंटिन्यू कर देना। आइए देखते हैं वर्ज़न चेंज हुआ कि नहीं। दोस्तों अपडेट होने के बाद आप एक बार कैश ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। हम रिपोर्ट में चल के देखते हैं। रिपोर्ट में चल के ड्रूपल का वर्जन चेक करेंगे, उसके बाद कैश क्लियर करेंगे। ये देखिए 7.43 जो लेटेस्ट था वो हो गया। उसके बाद आप कैश क्लियर कर लें ताकि आपका प्रोजेक्ट में जो कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। कैश क्लियर कर लेना चाहिए, सही रहता है। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड से हटाएंगे। उसके लिए आपको कैश क्लियर हो गई, उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना होगा। कॉन्फ़िगरेशन को एक क्लिक कर दीजिए। डेवलपमेंट के अंदर मेंटेनेंस मोड पे क्लिक कर दीजिए, अनचेक करके सेव कर दीजिए। तो दोस्तों ये था प्रोसेस कि आप अगर आपको ड्रूपल कोर को अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।